बबलू सिनेमा का जबरदस्त शौकीन। कोई हीरो ऐसा नहीं जिसकी फिल्म जूनियर महमूद साहब के बिना बन जाए। माँ ने नाम दिया था मनसब अली। जूनियर महमूद साहब हमारे बीच में है, वो बबलू और कोई नहीं, आपके सामने खड़ा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कितने गम है भाई इस जिंदगी में, जिस तरफ जाइए जिस रास्ते में जाइए आपको कांटे मिल जाएंगे, कंकर मिल जाएंगे, पत्थर मिल जाएंगे, परेशानियां मिल जाएंगी, दुख मिल जाएंगे, तनाव मिल जाएंगे, चिंता मिल जाएगी, लेकिन मुस्कुराहट कितनी मुश्किल है भाई, हंसी कितनी मुश्किल है। लेकिन हंसी और मुस्कुराहट कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब शैलेश लोढ़ा यहाँ है तो फिर चिंता करने की क्या बात है। आपके परिवार का एक सदस्य हूँ मैं रोज यहाँ चला आता हूँ और आप मुझे देख के अपने लबों पे तबस्सुम ले आते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह। आज का एपिसोड हमारा बड़ा विशेष है, विशेष इसलिए कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे तीन नए कवि प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो पहली बार टेलीविजन के सामने आएंगे। ये हमारी जो प्रतिबद्धता है हम इसे निभाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से छोटे गांव कस्बों से हम प्रतिभाएं लेके आए और उन्हें हम यहाँ प्रस्तुत करें। विशेष इसलिए भी है कि एक विशेष मेहमान हम यहाँ पे बुलाएंगे, लेकिन उसके पहले आज एक कहानी से बात शुरू करते हैं। और ये कहानी जो है ये सच्ची कहानी है, और सच्ची कहानी इसलिए कि मेरे दोस्त की कहानी। एक दोस्त बबलू, उसे प्यार से घर में बबलू कहते थे, और हम लोग रहते थे एक छोटे से कस्बे में जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमावर्ती जो जिला है चित्तौड़गढ़, उसमें एक कस्बा है निम्बाहेड़ा, वहां रहा करते थे 7-8 साल की उम्र। और उस जमाने में मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, अखबार भी तब तक हर घर में नहीं आता था, और इतने छपते भी नहीं थे कि सब घरों में आए। एक रेडियो हुआ करता था और उसमें भी सारे दिन प्रोग्राम नहीं आते थे जैसे आजकल FM पे आते हैं, और सिनेमा के सिवा कोई नहीं। बबलू सिनेमा का जबरदस्त शौकीन, मतलब भयंकर दुर्दांत शौकीन था वो सिनेमा का पर्दा, मतलब ओ, अगर उसे कह दिया जाए कि 3 दिन बाद पिक्चर जाना है 3 दिन खाना नहीं खाएगा, इतना शौकीन। तो उसके लिए फिल्म का पर्दा मतलब बड़ी चीज। उसके पिताजी कोई मामूली नौकरी करते थे एक सरकारी विभाग में, और बबलू ने कहानी जब मुझे सुनाई तो मुझे लगा यार क्या बात है, जिंदगी भी क्या मोड़ ले आती है ना। तो सिनेमा का बड़ा शौकीन, और उस जमाने में सिनेमा के किसी सितारे को देख लेना अरे मतलब भगवान देख लिया, और जब आप बहुत बड़े फैन हो तो आपको ऐसा महसूस होता है। उस कस्बे में उस जमाने में हिंदी सिनेमा में एज ए चाइल्ड स्टार एक बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे जूनियर महमूद साहब, बहुत बड़े सुपरस्टार। कोई हीरो ऐसा नहीं जिसकी फिल्म जूनियर महमूद साहब के बिना बन जाए। सेट पे लोग जूनियर महमूद साहब का इंतजार करते थे कि ये शूटिंग हो तो वहां जाए, ये हो तो वहां जाए, वहां कमाल के एक्टर और जबरदस्त चाइल्ड आर्टिस्ट। वो जूनियर महमूद साहब कौन से, जरा एक मिनट ये देख लेते हैं आपको, फिर इस कहानी में और मजा आएगा। जरा ए भी चलाइए जूनियर महमूद साहब वाला। माँ ने नाम दिया था मनसब अली, यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली, पर किस्मत की अशी गड़बड़ झाली, क्या काम में सुनने पड़े है गाली। बिल्कुल है खाली, अब मैं बैठ के गाता हूँ कव्वाली, आप सब मिलके बजाओ। तो ये जूनियर महमूद साहब का ए भी हमने देखा। ये जूनियर महमूद साहब उस जमाने के बड़े स्टार हुआ करते थे, और छोटा सा कस्बा जहाँ फिल्मी पर्दे के सिवा एक सिनेमा। बबलू भयंकर शौकीन फिल्मों का, उसके मम्मी पापा उसे ले जाते थे साथ में देखाता था। अब हुआ ये कि पता चला जूनियर महमूद साहब उस कस्बे में एक प्रोग्राम करने आ रहे ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ। अब ये बड़ा खुश हो, देखने को मिलेगा एक फिल्म वाले पर्दे वाले हीरो को देखने को मिलेगा, मुझे मजा आ जाएगा, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त उसमें उत्साह। लेकिन अपने पिताजी से कहे कैसे कि मुझे देखने जाना है टिकट। पिताजी की तनख्वाह कुल जमा 150 रुपए हुई होगी, और उस जमाने में 50-100 रुपए का अगर टिकट होता तो जा ही नहीं सकता था। तो ये अपने घर के बाहर उदास बैठा हुआ सब लोगों को जाते हुए देख रहा था, बहुत दुखी। हिंदुस्तान में हर उस आदमी को बहुत दुख होता है जब सामने वाला उसे सुखी दिखता है। सब जा रहे हैं, सब देखेंगे जूनियर महमूद साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ क्या करें। अब वो स्कूल के मैदान में प्रोग्राम था, अब उस जमाने को हॉल वॉल तो होते नहीं थे, ऐसे ही खुला। आप देखिए खुदा की मार के तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश के प्रोग्राम सब धुल गया।
अब सब लोग वापस जा रहे हैं, ये हंस रहा देख लिया जूनियर महमूद, देख लिया, खुश हो गए, बड़ा खुश, इसी में खुश के बाकी सबने भी नहीं देखा। लेकिन अब छोटा सा गांव था, कस्बा उस जमाने में, अब तो बड़ा हो गया है, तो भाई जो आयोजक थे उनका कार्यक्रम दोबारा रिपीट कल किया जाएगा। जो टिकट है, अब टिकट विकेट सबके धुल गए, कुल मिला के बारिश इतनी तेज थी कि दूसरे दिन भी बारिश, अब क्या किया जाए। तो ये फैसला हुआ कि भाई ये प्रोग्राम होगा, अब टिकट विकेट कोई नहीं, जिसको आना है आ जाओ। अब ये सुनना था कि बबलू की बांछें खिल गई, अरे जिसको आना हो आ जाओ, अब तो जाएंगे, पर इतना सा बच्चा 7-8 साल का कैसे जाता। तो उसका एक दोस्त जो हमारे साथ ही था, वो मैं उसका नाम ठीक ढंग से मुझे याद नहीं है, उसके फादर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुआ करते थे, तो स्कूल के मैदान का था, तो उसने कहा ये इनके पिताजी की जो पकड़ है तो मुझे दिखा देगा। तो उसने कहा, उसके पास गया, वो बोले तू मेरे को दिखा देगा? तो उसने हाँ जरूर मिला दूंगा तेरे को, जूनियर महमूद से मिला हुआ है, तेरे को ऑटोग्राफ भी दिलाऊंगा। बोले ऑटोग्राफ क्या होता है, छोटा गाँव छोटा बच्चा, और बोले जो फेमस लोग होते हैं ना उनका साइन लेते हैं। बोले जो तू करेगा वो मैं करूंगा आज, तो बस तू मुझे दिखा दे। ले गए साहब दिखाने के लिए, वो स्टेज ऐसा था, और वो जो बबलू के दोस्त के पिताजी ने एक स्टूल साइड में रखवाया, और 3/4 स्टूल पे बबलू का दोस्त और 1/4 पे बबलू, और स्टेज भी सामने से नहीं साइड से दिख रहा, लेकिन इतना खुश के भाई देखने को मिलेगा। और वो जूनियर महमूद साहब उस वक्त वहां आए, व्हाइट बेल बॉटम, उस जमाने में जो 36-34-35 की मोहरी हुआ करती थी, फिल वाला व्हाइट शर्ट, पसीने से तर बतर, ये खुश सब कहानी आगे बढ़ती है। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो जो बबलू का दोस्त था वो गया सामने, ऑटोग्राफ जूनियर महमूद साहब ने ऑटोग्राफ कर दिया। अब इस लड़के ने, बबलू ने कभी ऑटोग्राफ लव सुना ही नहीं था जिंदगी में, तो उसे ऑटोग्राफ लव ही नहीं पता, तो ऑटोग्राफ बुक तो क्या पता होगी। तो ऐसे एक मुड़ा थोड़ा कागज कहीं से साइन, जूनियर महमूद साहब एज ए एक्टर उन्होंने सलाह देने का, बड़े चल कागज पे साइन होते हैं क्या है? कागज पे साइन नहीं होते। अब उनकी बात बिल्कुल सही थी, कैसे कैसे प्रॉपर उसका बुक होनी चाहिए जो आप संभाल के रख सको, लेकिन उन्होंने सलाह के अंदाज में दी हुई जो झिड़की थी, बबलू फिल्मी तो था ही, आंखों में आंसू कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त, आज तो ऐसी तैसी हो गई मेरी, एक साइन मांगा था और मुझे नहीं मिला, तो फिल्मी तो था ही, मां तेरी कसम खात्मा, ऐसा नहीं मतलब, लेकिन उसके मन में ये भाव आया कि यार एक अंग्रेजी कहावत है, पर्सन कैन फॉरगेट द इंजरी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट द इंसल्ट, एंड ही फेल्ट इट, उसे महसूस हुआ कि यार अब ऑटोग्राफ लव्स मेरी जिंदगी में आज पहली और आखिरी बार आया, अब दोबारा आएगा तो मैं ऑटोग्राफ लूंगा नहीं, अब मैं ऑटोग्राफ दूंगा। बबलू उसे पता ही नहीं था भगवान उसे कहां ले जाएगा, क्या बनाएगा। उसे जब ये मुझे कहानी सुनाई तो मुझे बड़ी मोटिवेटिंग लगी कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। उसके ठीक 2-2.5 साल बाद 1981 सितंबर का महीना, राजस्थान के कस्बे में उसने कुछ किया हजारों लोगों की भीड़ के सामने, और हजारों लोगों की भीड़ में से एक आदमी, बबलू ने बताया उसकी फीलिंग क्या थी उस वक्त, एक आदमी रजिस्टर लेके आया, बोले साइन, उसने साइन के ऊपर देख के बोला जूनियर महमूद साहब आई हैव डन इट, मैंने ये कर दिया। और तब से लेके आज तक बबलू इतना बड़ा हो गया है, मेरा दोस्त आज भी है, वो जब भी वो कहीं साइन करता है वो मन में यही कहता है आई हैव डन इट। एक सलाह के रूप में दी गई झिड़की बबलू को जिंदगी बदलने में एक रास्ता बन गई। आइए सबसे पहले मिलते हैं हम इस कहानी के प्रमुख पात्र जूनियर महमूद साहब से। आइए जूनियर महमूद साहब। जूनियर महमूद साहब हमारे बीच में हैं। 1977-78 की घटना 45 साल पहले, अब इतने शोज में जहन में नहीं रही होगी, लेकिन मैं बबलू को लेके आता हूँ आज 45 साल बाद आपसे मिलवाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आ जाओ। मैं गया कहा आओ, उसने कहा मैं आ जाता हूं। वो बबलू और कोई नहीं, आपके सामने खड़ा है। मैं जितने ये खुश हैं उनसे ज्यादा खुश नसीब अपने आप को समझ रहा हूं, क्योंकि होता है यूं कि
वक्त निकल जाता है, उम्र चलते रहती है, चीज़ें याद रहती हैं, और अगर इनकी याददाश्त ऐसी है तो उस याददाश्त का कईयों को फ़ायदा होगा। बहुत से लोग मुतासिर होंगे, इंस्पायर होंगे। और मैं एक छोटी सी बात, एक मिसाल इनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। आप आज की जनरेशन है, लेकिन आपके घर वाले शायद ये मेरी बात से इत्तफाक करें। अमीन सयानी साहब बहुत बड़े उद्घोषक, अनाउंसर, कंपेयर, बहुत बड़े ऐसे कलाकार जिनको लोग शक्ल से नहीं, आवाज़ से जानते हैं। ये हिंदुस्तान के वाहिद कलाकार हैं जिनको लोग आवाज़ से जानते हैं, बहनों और भाइयों करके बिना का गीत माला पेश करते थे एक दौर में। तो साहब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर एक बहुत बड़े एक्टर आए और जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, सुरेश भाई, कुछ टाइम ले रहा हूँ मैं आपका। जी जरूर जरूर। तो वो स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में, आप सभी लोग करते हैं, हमने भी की थी, तो स्ट्रगल कर रहे थे। किसी ने कहा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी, आप एक्टिंग का ये छोड़ दो, जाके रेडियो पे कोई काम करो। तो साहब पता लगा कि उस दौर में अमीन साहब का इस दौर में भी बहुत नाम है, उस दौर में शबाब था जी, एकदम शबाब था उनका, छोटे छोटे रेडियो के स्पॉट्स कह लें, फिल्मों की पब्लिसिटी वगैरह कह लें, तो आपके सिवा कोई आवाज़ चलती नहीं थी, अमीन सयानी साहब ही चाहिए थे। तो एक बार गया वो कुलाबा में, हीरोस के पीछे उनकी ऑफिस थी, वो कलाकार उनसे काम मांगने वो नहीं मिल पाए, बहुत बिजी थे। दूसरी बार गया, बैठा रहा 3-4 घंटे, फिर भी नहीं मिल पाया। फिर तीसरी बार गया, मैं अमीन सयानी साहब की जबानी बता रहा हूँ मैं आपको, ये उन्हीं की बताई हुई चीज़ है। तो पता ये लगा कि तीसरी बार जब या चौथी बार जब भी ये गए होंगे, इनका दिल बिल्कुल टूट गया। वो कलाकार बोला मैं रेडियो पे नहीं, मैं धक्के खा के एक्टर ही बनूंगा। उन्होंने अपने आप डिसीजन ले लिया, डाइवर्ट कर लिया अपने करियर को, आ गए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने धिक्कारा या किसी कलाकार ने किसी को बोला और अमीन साहब ने इस कलाकार को वक्त नहीं दिया, मुलाकात नहीं की, तो इसमें बहुत अच्छा हुआ शैलेश भैया, बहुत अच्छा हुआ। अगर उनको मौका मिल जाता तो हम लोगों को स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन नहीं मिलते। सही बात। तो वो थे अमिताभ बच्चन साहब जो रेडियो पे जा रहे थे, और मैं अगर इनके साथ में ऐसा पेश नहीं आता, वो किस्सा नहीं होता, तो आज शायद मैं भाई के बराबर खड़ा नहीं होता, और हमें इतनी अच्छी याददाश्त वाला इतना टैलेंटेड कलाकार शायद अपने गांव में भी होता, जिसका हमें बहुत दुख होता। गॉड ब्लेस यू भैया, गॉड ब्लेस। और आप यकीन मानिए, वो 1977-78 की बात, एक इतना सा लड़का, उसे नहीं मालूम था कि वो जिंदगी में क्या करेगा। मेरे आंखों में आंसू लिए वो घर आ गया, और 30 सितंबर 1980 के दिन वो कस्बा सुमेरपुर था राजस्थान का, जहाँ उसने कविता पढ़ी, और कविता पढ़ने के बाद जब हजारों लोग आए, और तब से लेके आज तक ये मेरे जहन से कभी वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी दोष भाई लाइन सुना लू, आप सब कवि हैं, सब अहले जबान हैं, कि गुमनाम जो रहा वो गुनहगार हो गया। भाई गुमनाम जो रहा वो गुनहगार हो गया, पत्थर कभी नसीब कभी खार हो गया, और नामे कला तो आज है दुनिया में कारोबार, शोहरत जिसे मिली वो कलाकार हो गया। हाय हाय हाय, क्या बात है। लेकिन यकीन मानिए 45 साल तक मैं और जूनियर साहब, हमारी वापस कभी मुलाकात नहीं हुई। एग्जैक्टली आज से 5-6 दिन पहले मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था, और ये भी यहाँ शूटिंग कर रहे थे, इन्हें पता चला मैं यहाँ हूँ जी। तो ये जो इनका बड़प्पन था कि मुझसे मेरी वैनिटी में मिलने आए, मैं किस्सा सुन चुका था इनका। तो मैं ढूंढ रहा था इनको बेसिकली। मैं बताऊं आपको, जब इनका नाम सुना, वैनिटी पे नाम पड़ा ना, मैं कहा मिल गया बंदा, भागो। ये इतने अरसे से मुझे ढूंढ रहे थे, 45 साल बाद आज हमारी मुलाकात हुई जी, और जी। मुझे खुशी है कि कविता के मंच पे हुई जी, जी। आज आपने हमारा सबका यहाँ आके जो इज्जत बढ़ाई है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए जोरे महमूद साहब, छोटा तालियों के साथ। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जमाना था आपका, एक दौर था, और दौर हमेशा रहता है, ऐसा होता नहीं एक दौर नहीं था, लेकिन वो दौर अलग था। वो दौर ऐसा था कि जब आपका इंतजार किया जाता था सेट पे, और कोई फिल्म ऐसी नहीं होती थी जब आपके बिना वो पूरी हो, और कमाल आपका काम। सुरेश भैया थोड़ी बात करूं मैं? जी जरूर। जो महमूद साहब हमारे उस्ताद, जिनका मैं झूठा खाया हूँ सारी उम्र, अब भी खा रहा हूँ, महमूद साहब को जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना, कि छोटे बजट की फिल्में होती थी, तो मुझे ढूंढ के लाते थे वो। जी, इसलिए मैं आपको कई फिल्मों में दिखता था, ये भी मेरा मुकद्दर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जूनियर साहब। आज आप यहाँ हैं, और ये जाती तौर पर मेरे लिए बड़ा खुशी का पल है कि हम 45 साल बाद हमारी मुलाकात हुई,
और पहली मुलाकात तो मुलाकात नहीं थी लेकिन जिस अंदाज में भी हुई, और आज इस मुलाकात में मैं अपने आप को खुशकिस्मत पाता हूँ कि खुदादाद एक सलाहियत मिली और ईश्वर ने मुझे कुछ दिया। माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा और बाला सती माता जिनका मैं भक्त हूँ उनका आशीर्वाद कि आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और इन्हीं मोहब्बतों की वजह से कर रहा हूँ। और यकीन मानिए अगर वो धक्का उस दिन यहाँ नहीं पड़ा होता तो आदमी यहाँ नहीं खड़ा होता, और इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ आप लोगों के बीच में हूँ। तो आइए हम मिलकर कहते हैं इन चारों कवियों के लिए वाह भाई वाह। लेकिन मिलते हैं सबसे पहले आज पहली बार हम टेलीविजन पे लेके आ रहे हैं जो कि हमारा कर्तव्य भी है और हमारा मिशन भी है कि हम नई नई प्रतिभाओं को लेके आएंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश बड़नगर जहाँ के सुप्रसिद्ध कवि जो हमारे बड़े गीतकार है प्रदीप जी वो हुए उस बड़नगर के पुष्पेंद्र पुष्प। हमारे साथ है बलरामपुर उत्तर प्रदेश की अंकिता आजाद, गोपालगंज बिहार की सान्या राय, और राजस्थान में अजमेर जिले में एक बहुत छोटा सा गांव है शीपिया, वहां के होते हैं कोमल उपाध्याय। आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं उसे बुला रहा था। अब तो बहुत मौके आ गए हैं, टेलीविजन है, कलाकारों को हम बुला के लेके आ रहे हैं। वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग था, लेकिन इस जमाने में ये हमारा कर्तव्य है कि हम नए नए कलाकारों को लेके आए। तो आज के खास एपिसोड में ये जो तमाम नए लोग आए हैं ये आज की महफिल को न केवल रोशन करेंगे पर बल्कि आपके दिलों में छा जाएंगे और आपके दिलों में घर कर लेंगे, ये मेरा दावा नहीं विश्वास है। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूं कोमल उपाध्याय को जोरदार तालियों के साथ। उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों एक बार मैं जब परेशान हुआ गुरु चरणों को छुआ और कहा गुरुदेव एक बहुत बड़ा कीड़ा है जिसका नाम पीड़ा है। अच्छा। वो निस्दिन मुझे खोखला कर रहा है, आपका ये कोमल जीते जी मर रहा है। अच्छा। बोले कौन कोमल? कौन सी पीड़ा? हाँ। मैंने कहा गुरुदेव मैं हूँ कोमल और पीड़ा का कीड़ा। बोले रे मूड मती, तूने अज्ञानतावश जिंदगी बोझिल की है, ये सारी पीड़ाएं इस शरीर रूपी कोमल की है। अच्छा। जबकि तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तू ये समझ कि तू सिर्फ आत्मा है, सारी पीड़ाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। जब तक इस शरीर रूपी कोमल में पड़ा रहेगा ये पीड़ाएं तो तुझे ऐसे ही सताएंगी। अच्छा। चल शरीर से बाहर निकल जा। ये कमाल है यार, चल शरीर से बाहर निकल जा। मैंने पूछा हाँ? बोले हाँ, बहुत मुश्किल है लेकिन अभ्यास से ऐसा संभव हो जाएगा। शुरू शुरू में तो लोग तुझे पागल समझेंगे लेकिन एक बार अभ्यस्त हो गया तो तुझे जीने में अद्भुत आनंद आएगा। हाँ। मैं खुशी खुशी सूत्र लेकर घर आ रहा था, कोमल नहीं हूँ आत्मा हूँ, कोमल नहीं हूँ आत्मा हूँ, मन ही मन दोहरा रहा था कि मुझे एक दुकानदार ने आवाज लगाई, कोमल जी इधर आओ, दुकान का बकाया पेमेंट जमा कराओ। मैंने कहा कौन कोमल? कौन कोमल? कौन कोमल? कौन सा पेमेंट? बोले दुकान से सामान उधार ले गए उसका पेमेंट और आप कोमल, ये देखो कोमल जी के नाम से खाते में बकाया है। मैंने कहा यार कोमल जी से लो ना जो भी बकाया है। बोले फिर आप कौन? मैंने कहा मैं आत्मा। बोले और कोमल? मैंने कहा ये शरीर है कोमल। बोले पेमेंट देने से मुकर रहे हो और ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था लोग शुरू शुरू में पागल समझेंगे। ये तो समझ रहा है। यानी सूत्र काम कर रहा है। काम कर रहा है। अब मैं अपने घर आया लेकिन उससे पहले मैंने मेरी आत्मा को समझाया, भाई तू अपने नहीं कोमल के घर आया। मुझे देखते ही पत्नी झल्लाई और जोर से चिल्लाई, सारा सारा दिन भटकते फिरते हो, घर में नहीं टिकते हो, जब घर की जिम्मेदारियां इतनी लेनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा हे मूर्ख स्त्री, मैंने तुझसे शादी कब की? शादी का कार्ड उठाकर लाई, ये देखो काव्या संग कोमल, अब बोलो नहीं की? मैंने कहा कोमल के संग की तो कोमल का सर खाना पकली, मुझे क्यों सता रही है? बोली आप कोमल नहीं तो कौन? मैंने कहा मैं आत्मा। अरे बहुत बढ़िया कोमल यार, बहुत अच्छे। बोली और कोमल? मैंने कहा ये शरीर है कोमल। बोली पागल हो गए आप तो? मैंने कहा सूत्र की साधना सही साथ चल रही है, ये भी मुझे पागल समझ रही है। हालांकि विद्वान तो वैसे भी नहीं समझती थी
पर अब सूत्रानुसार मुझे पागल समझ रही है। अब गुरुदेव के एक सूत्र की वजह से दुकानदार मुझे पेमेंट के लिए परेशान नहीं करते, घर पे पत्नी आराम से पड़ा रहने देती है। मुझे सूत्र में आनंद आने लगा तो मैं सूत्र को और अभ्यास में लाने लगा। परिणाम थे मैंने काम पे जाना ही बंद कर दिया। सेल ठप हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मुझसे पूछा गया, कोमल जी आपके एरिया से सेल क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा साहब मुझे क्या पता क्यों नहीं हो रही है। बोले फिर सैलरी कौन ले रहा है? मैंने कहा साहब कोमल ले रहा है। बोले फिर आप? मैंने कहा सर मैं आत्मा। बोले और कोमल? मैंने कहा सर ये शरीर है कोमल। तो अधिकारी ने अपने सुपीरियर को फोन पर रिपोर्ट दी। बेचारा सेल के प्रेशर से डिप्रेशन में आ गया है, ज्यादा कुछ कहेंगे तो पागल हो जाएगा। मैंने कहा सूत्र तो यहाँ भी सही साठ चल रहा है और ये भी मुझे पागल समझ रहा है। बहुत बढ़िया। अब गुरुदेव के एक सूत्र की वजह से मुझे दुकानदार पेमेंट के लिए परेशान नहीं करते, घर पे पत्नी आराम से पड़ा रहने देती है, काम पे जाना ही नहीं पड़ता है और सैलरी टाइम पे आती है, मुझे परमानंद आने लगा। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ क्यों सभी ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया, क्योंकि गोविंद ने तो ये दुनिया बनाई, हमें बनाया, लेकिन जीना तो असल में हमें गुरु ने सिखाया। थैंक यू। वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कोमल, क्या बात है, एकदम नया विषय। तो भाई गोविंद ने दुनिया बनाई, गुरु ने जीना सिखाया, तो गुरु गोविंद के बारे में कुछ कहना चाहोगे? जरा माइक दो। एक दोहा है गुरुदेव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पतली गली से निकल ले टेंशन ही खत्म हो जाए। बहुत अच्छे कोमल। मैं तुम्हारी प्रशंसा इसलिए करना चाहूंगा कि एक निहायत ही अनूठा विषय तुम लेके आयो। ये जो मौलिकता है ना, ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो नयापन है, यही बड़ा कमाल का है। जब नए लोगों में देखता हूँ कि लोगों के पास विषयों का अभाव हो गया, उसमें तुम एक नया विषय चुन के लाया, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। जूनियर महमूद साहब से बात करेंगे। ये आत्मा बड़ी खतरनाक है। और वाकई में मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि आपने जो विषय जो सब्जेक्ट आप लाए हैं, मैं भी काफी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना था भाई। और लेसर बहुत अच्छा किया आपने, बहुत उम्दा। पर आप सीनियर सिटीजन हो गए, किसको ये गलत है, ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं? बालों पे मत जाओ। नहीं आप वैसे के वैसे ये जैसे उस जमाने में हुआ करते थे। तो कितने साल हो गए इंडस्ट्री में आप? तो ये आत्मा नहीं, ये तो शरीर है। शरीर है। क्या बात है, कैसे फिल्मों में आना कैसे हुआ था आपका? सबसे बहुत मजे का किस्सा है, थोड़ा टाइम लूं मैं? जी जी बिल्कुल लीजिए, आप लोग सब एंजॉय कीजिए। 9 साल की उम्र में आ गया था और माशाल्लाह ये था कि मेरा भाई था, वो स्टिल फोटोग्राफी करते थे सेट पे, तो रोजाना आके बोले मैंने आज वहीदा रहमान जी को फोटोग्राफ किया, आज मैंने जीवन साहब को किया, बड़े बड़े एक्टरों के नाम ले, राजेंद्र कुमार को किया। मैं तो इतना सा मेरे दिल में है कि मैं इनको कब देखूंगा। एग्जैक्टली जो मैं सोच रहा था। जी आप सोच रहे थे बिल्कुल। तो मैंने भाई को मस्कारा लगाना शुरू किया, मैं कहा तू जाता यार मुझे भी ले जाएगा शूटिंग पे? बोले तू भोंकता बहुत है, बोले तुझे नहीं ले जाऊंगा, बोले तेरा मुंह बंद नहीं होता, मेरा काम निकल जाएगा। मैं कह रहा मैं कहा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। मुझे एक दिन वो मान गया, मैं शूटिंग पे चला गया तो शैलेश भैया उस दौर में चेयर कुर्सी जो होती थी वो डायरेक्टर की होती थी अकेले की जी। अब तो हम वैनिटी वगैरह माशाल्लाह क्या क्या है, वहाँ एक ही चेयर होती थी सेट पे जो डायरेक्टर की होती थी, उसमें बाकायदा लिखा जाता था DIRECUT वो जो भी उसकी स्पेलिंग होती थी डायरेक्टर की। तो वो लड़का पहली बार शूटिंग देखने गया है, भाई ने बड़ा उसको बोला है, रस्ते भर समझाया कि भाई बकवास नहीं करना, मुंह नहीं खोलना, मुंह खोलेगा तो जान से मार दूंगा, पूरा डांटा बस में जाते हुए। ले गया शूटिंग पे, मैं उसी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया था साहब। अच्छा डायरेक्टर की मुझे ये नहीं पता, डायरेक्टर स्पेलिंग नहीं पता थी मुझे। तो वो एक बच्चा था वो भी शूटिंग कर रहा था जॉनी वॉकर साहब के साथ ही, मेरा बड़ा मशहूर किस्सा है। तो वो बच्चा घड़ी घड़ी रिटेक कर रहा था क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स माहौल होता है शूटिंग का, आप सब जानते ही हैं। वो बच्चा पैदाइशी एक्टर हो तो एक बात अलग होती है ना, वहाँ से गिफ्टेड कोई हो तो बात अलग है, मगर आप बोलते मार मार के मुसलमान बनाना ठीक ही नहीं है, वो कहते ना एक्टर पैदा होते हैं जी। लोग सोचते हैं मेरा बेटा तो गोविंदा से अच्छा नाचता है, क्या नाचता है गोविंदा से पूछो कैसे नाचता है। तो वो जैसी रिटेक कर रहा था बच्चा, घड़ी घड़ी डायलॉग भूल रहा था, तो डायरेक्टर इम्पेशेंट नहीं हो रहा था, वो समझा रहा बहुत अच्छे बेटे, बढ़िया बहुत बढ़िया, और एक बार लेते और एक बार लेते हैं। जॉनी वॉकर साहब भी उसको बहुत एंकरेज कर रहे थे। 7-8 रिटेक हो गए तो जो शूटिंग देखने गया लड़का, दैट इज माई सेल्फ, मैं भड़क गया कि अबे एक डायलॉग बोलने को नहीं आता। लेकिन आई वॉज जस्ट नाइन ईयर्स आई वॉज आउट ऑफ माई ब्रेन, क्योंकि 7-8 रिटेक हो गए और माहौल कभी देखा नहीं था।
और मुझे ये नहीं पता मैं खड़ा कहाँ हूँ। मैं चिढ़ के बोल गया, क्या बे एक डायलॉग बोलने को नहीं आता, चलो आ गया पिक्चर में काम करने को। कोई गाली भी बक दी मैंने, वो गाली सुन के डायरेक्टर ने रिएक्ट किया मुझे, यूँ देखे बेटे आप ये डायलॉग बोल सकते हैं, और मैं कहा मैं इनका तो क्या अंकल का भी बोल सकता हूँ। उनको अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा मुझ में, और बहुत सादगी का दौर था, तो बोले बेटे इधर आइए आप, यहाँ आइए बेटे यहाँ आइए, कुर्ता उतारिए, कुर्ता उतारिए उतारिए, भैया को दीजिए भैया को दीजिए। मुझे कुर्ता भी ना दिया, और मुझे डायरेक्टर बोला जाइए वहाँ जाए खड़े हो जाइए और जुमला बोलिए ये जो बोल रहा था। चलिए आप यकीन कीजिए शैलेश भाई, दुआएं चलती कलाकार के साथ, आप अकेले चलते ही नहीं, नहीं चलते, बिल्कुल सही कहा, दुआएं चलती है जी। मैं जाके खड़ा हो गया, पहला ही शॉट ओके हो गया साहब। ओ हो क्या बात है, ये तारीखें बनती है। मैं खुश था, लोगों ने तालियां मलने पीट दी, मेरा भाई पीछे कांप रहा था खड़ा हुआ कि मेरी नौकरी गई। इसको मैं कि यहाँ के बजाय वहां पहुंच गया जहाँ वो खुद कभी नहीं खड़ा हुआ होगा जी। तो कहने से मुराद कौन सी फिल्म थी अगर आपको याद? वो फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल। कितना बड़ा रिल, रिल, ये बनी रिलीज हुई फिल्म? नहीं हुई, क्योंकि मैंने वो शॉट दे दिया था ना। तो अनफॉर्चुनेट वो नहीं बनी। फिर महमूद साहब से मुलाकात है, फिर तो बहुत बड़ी लंबी तारीख है, आपको 3-4 एपिसोड में बुलाना पड़ेगा मुझे। पर तो, कमाल की कहानी है ये, देखिए जिस कहानी से मैंने शुरू किया था, शैलेश लोढ़ा की कहानी, सच्ची कहानी जी जी, जहाँ से शुरू हुआ, एक अगर धक्का नहीं पड़ा होता इनका जी, और वो मुझे, और उसके बाद से फिर मैंने कहा कि मैं ऑटोग्राफ दूंगा, ऑटोग्राफ लूंगा नहीं, और ईश्वर ने आज वो मुकाम दिखाया, ईश्वर ने मदद की और आज यहाँ तक पहुंचा। कम उम्र का बड़ा मामला, आप 9 साल की उम्र में आए इंडस्ट्री में, मैं 9 साल की उम्र में मंच पे आ गया, 9-10 साल की उम्र में समान, ये भी बिल्कुल नए लोग आए हैं। तो आज का जो एपिसोड है बड़ा खास है, ये एपिसोड ऊर्जा का है, ये एपिसोड उत्साह का है, ये एपिसोड उमंग का है, और ऊर्जा उत्साह और उमंग से परिपूर्ण इस पीढ़ी से एक ऐसी लड़की को मैं बुलाना चाहता हूं जो अपने अंदाज में बड़ा खास कहती है, जो बिहार से हमारे बीच में आती है, गोपालगंज से, नाम है सान्या राय, जोरदार तालियों के साथ। मुझ में परिचय जैसा कुछ है नहीं, पर मैं जिस भूमि से आती हूँ उसके विषय में इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उस भूमि से आती हूँ जहाँ लड़के प्यार में मजनू नहीं माझ ही बनते हैं। वाह वाह बहुत अच्छे। मैं उस भूमि से आती हूँ जहाँ हमें युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ाए गए हैं। क्या बात बहुत बढ़िया सान्या। 4 पंक्तियाँ देती हूँ, जब लड़की बिहार की होने के साथ साथ विज्ञान वर्ग की हो तो प्रेम में किस तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करती है, 4 पंक्तियाँ उस संदर्भ में। बिहारी गर्ल विद द साइंस सब्जेक्ट। यस यस साइंटिफिक लव। सुनिएगा कि मेरी सांसें चलने की इकलौती कंडीशन हो तुम। मेरी सांसें चलने की इकलौती कंडीशन हो तुम, जिस पर है सारा फोकस मेरा वो एम्बिशन हो तुम, जिस पर है पूछो तो मेरे खातिर अलवा एडिशन हो तुम। हाय हाय सच पूछो वाह 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 मेरे खातिर अलवा एडिशन हो तुम। ये तुमने साइंटिफिक लव की बात की सान्या, साइंटिफिक लव जैसा भगवान करे कुछ होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, कि वैज्ञानिक ने ये जानने के लिए शादी की कि शादी क्या होती है, अब वो ये नहीं जानता कि विज्ञान क्या होता है। सुनिएगा अक्सर जब कोई लव अफेयर में रहता है तो लड़का अक्सर कहता है कि लड़की की आंखें बहुत नशीली हैं, लेकिन लड़की अगर बिहार से हो तो किस तरह की पंक्तियां कह सकती है, किस तरह का उत्तर दे सकती है? जो भी है बस मनह द्वंद है, खबरदार कुछ बोला तो। जो भी है बस मनह द्वंद है, खबरदार कुछ बोला तो। जो भी है बस मनह द्वंद है, खबरदार कुछ बोला तो। सच में तेरी बुद्धि मंद है, खबरदार कुछ बोला तो। वो कहता है कि आँखों में एक शराब का दरिया है, मेरे यहाँ शराब बंद है, खबरदार कुछ बोला तो। वाह वाह सही कहा, बहुत बढ़िया सान्या, इस बात पे पुलिस ले जा सकती है।
अरे इसकी आंखों में शराब है, चल। देखिएगा, मुझे लगता है किसी भी लव स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग फेज तब होता है जब स्टोरी में विलन की एंट्री होती है, और जिसको सामान्यतः लड़की का भाई समझा जाता है। सुनिएगा, जैसे लड़की का बेस्ट फ्रेंड भी समझा जाता है। याद कराने दैया आए, पहली फुर्सत में निकलो। याद कराने दैया आए, पहली फुर्सत में निकलो। याद कराने दैया आए, पहली फुर्सत में निकलो। करने तेरी धुलैया आए, पहली फुर्सत में निकलो। भुलवा देंगे तुमको बाबू, लव यू की इस स्पेलिंग भी। इसके पहले भैया आए, पहली फुर्सत में निकलो। सान्या, तुम इस उम्र में तुम्हारा हास्य बोध जिंदा है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप प्रेम में जो हास्य का मिश्रण कर रही हो, कमाल का। हमारे पास तो हास्य कलाकार जूनियर महमूद साहब बैठे हैं, कैसा लगा जूनियर भाई आपको? अच्छा है भाई, पर ये वैसा प्रेम करेंगे नहीं है, बहुत अच्छा है जो प्रेजेंट किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। अच्छा, बेहतरीन जी, गॉड ब्लेस। मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे कवि को जिसका मधुर कंठ और जिसका स्वर और जिसके गीत आपके दिलों में गूंजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार उसे सुन लीजिए, फिर कहेंगे कहाँ था ये लड़का, वो भी पहली बार। वाह भाई वाह के मंच पे आ रहा है आज। ये जो तीन लोग हम पहली बार प्रस्तुत कर रहे हैं, इनके लिए कुछ विशेष प्यार मिलना चाहिए। पुष्पेंद्र पुष्प बड़नगर से। सबसे पहले श्रद्धे शैलेश जी लोढ़ा जी का प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ शेमारो चैनल का, जो हम नव प्रतिभाओं को यहाँ पर मौका दिया है। मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ, मैं गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ। प्रेम को पाले ना ही सार्थकता नहीं होती है, प्रेम में विरह के बाद भी प्रेम शुरू होता है। मैं गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे, रखना के खुद को गलत पाओगे। मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे, याद रखना के खुद को गलत पाओगे। शोक से जाओ दिल को दुखा कर मेरे, अपनी करनी पे तुम खुद ही पछताओगे। मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे। वो जो हमको कहती थी कि प्रेम 7 जन्मों का रिश्ता होता है, और जब वही हमें छोड़कर चली जाए। रास्ता प्यार का कुछ कठिन था, मगर प्यार की राह पर क्यों संभल ना सके। उम्र भर साथ देने के बाद कदम साथ मेरे क्यों चल ना सके। क्या बात है। और 7 जन्मों का रिश्ता अमर प्रेम है, 7 जन्मों का रिश्ता अमर प्रेम है। बात जाकर के किसको अब समझाओगे। जब मुझे छोड़ कर तुम चले जाओगे। मेरी उम्र के नौजवान पीढ़ी के दोस्त भी यहाँ पर है। हम नौजवान पीढ़ी पर एक आरोप लगा हुआ है, लोग कहते हैं कि प्रेम प्रदर्शन का विषय है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं, प्रेम तो दर्शन का विषय होता है। और प्रेम में क्या दर्शन होता है, मैं परम श्रद्धे आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सुनाओ। प्रेम पूजा हवन है, अनुष्ठान है, प्रेम जीसस हे अल्लाह या भगवान। हाय हाय हाय। प्रेम श्रद्धा समर्पण हे बलिदान है, प्रेम राधा है मेरा हे घनश्याम। हाय हाय। और प्रेम में एक पत्ता भी भारी पड़ा, प्रेम में एक पत्ता भी भारी पड़ा, पत्ता तुलसी
बात है यार पुष्पेंद्र, वाह। क्या बात है पुष्पेंद्र, शाबाश। मैं कलाकार होने के नाते भावुक व्यक्ति हूं, और तुम लोग जब पढ़ते हो ना तो मुझे वो 10 साल का शैलेश लोढ़ा याद आ जाता है, जो निकर पहन के जिसने पहली बार मंच पे कविता पढ़ी थी। उस जमाने में कुछ नहीं था, लेकिन वो है ना सबसे बड़ा, उसने वो आशीष दिया कि आज मैं इस लायक और काबिल हो पाया कि मैं तुम जैसे कई लोगों को यहां बुला सकूं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं, और ये जो प्यार तुम्हें मिला है आज, तुम्हारा बड़नगर तुम पे गर्व कर रहा होगा। बड़नगर जो प्रदीप जी का शहर, जिन्होंने लिखा है मेरे वतन के लोगों, वो प्रदीप उनका शहर बड़नगर, वहां से आते हैं पुष्पेंद्र पुष्प, और निश्चित तौर पे आज तुम्हारा कस्बा तुम पे गर्व करेगा कि हमारे यहाँ का लड़का छा गया, और निश्चित तौर पे तुम छा गए। क्या कहते हैं जूनियर साहब आप? सब सच्चाइयाँ तो चुपती है ना, और इन्होंने सच बोला है, और प्रेम जो है उसका जो है अच्छा खासा स्क्रीन प्ले है इसका, और वैसे जी लेंगे तो जिंदगी वही कहलाएगी साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे जी, बहुत अच्छा बोला। आपको पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई थी जूनियर भाई? मैं बताऊं तो सच्चाई ये, 17 साल की उम्र से शुरू हो गए थे इस बारे में। अब ऐसा है, मुझसे छोटी बहनें भी हैं या लेडीज ज्यादा हैं, तो कोई अगर बोले मैं शरीफ पैदाइशी हूँ तो पैदाइशी झूठा है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन दो ही चीज है, नेगेटिव पॉजिटिव, और तीसरी कोई चीज है नहीं। अगर कोई तीसरी चीज है तो हमारी जमात में नहीं हो भाई। तो ये बाय गिफ्ट है, ये नेचर का है, और कोई अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को पारसाई का या पाकिजा साबित करना चाहे तो मैं समझता हूँ झूठा है वो। बिल्कुल झूठा है। तो मुझे आपसे मोहब्बत हो सकती है, तो इस मोहब्बत के मायने अलग होंगे, मुझे उनसे हो सकती है, उसके मायने अलग होंगे। अब आपकी सोच से आप कोई मायना निकाल लें तो आई कांट हेल्प इट फॉर दैट। मैं इसको सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो आपने कहा मायने अलग, उस वक्त है कि मोहब्बत हमेशा बदन नहीं होती। जी जी, मोहब्बत उससे बढ़कर कुछ चीज है। जी जी, मोहब्बत ये नहीं है कि जिसमें हवस शामिल हो। जी, मोहब्बत ये है कि वो पास बैठे और बात करता रहे। जी जी, वो हाथ में हाथ पकड़ के कुछ कहे। जी, वो कुछ ना कहे, सिर्फ आंखों में देख भर ले। जी, वो मैं मांगू नहीं, उसके पहले मुझे कुछ ला दे। ला दे का मतलब तोहफा नहीं, मैं कुछ कहूं नहीं उसके पहले समझ जाए। क्या बात है, सही है। वो आंखों से सामने से गुजर बढ़ जाए और मेरा दिन निकल जाए, ये मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं। बहुत सही, बहुत सही। आज आप यहाँ का कैसा महसूस कर रहे हैं जूनियर भाई, उसके बाद हम अगले कवि को बुलाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि अपने मिजाज की बातें हो रही हैं। जी, ये वंस इन अ ब्लू मून होता है आज के दौर में। बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ज्यादा तारीफ करके वो यूं लगे बोस्टिंग वाली चक्कर कोई नहीं। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल जो दिल से कहें वो कहें। बिल्कुल दिल की बात ये कि ये माहौल नहीं मिलता जो माहौल आज मैं देख रहा हूँ। क्या बात है, दैट इज अ फैक्ट। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये निश्चित तौर पे जूनियर भाई, मैं खुद भी ब्रैगिंग या बोस्टिंग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना तो मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ जो माहौल है ये बिल्कुल अलग होता है। ये सिर्फ जो टेलीविजन पे दिखता नहीं है, मैं कैमरे के इतर भी आपको बताना चाहता हूँ, जनता बताने वाली बात है कि हमारे सेट पे कोई व्यक्ति किसी से तेज आवाज में बात भी कर ले तो मैं, मुझसे वो सहन नहीं होती, नहीं होता। ये अदब के खिलाफ है। जी जी जी, ये तहजीब के खिलाफ है। हम वही चीज करते हैं जो अदब और तहजीब के दायरे में आती है, और सारे लोग मिलजुल के बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं, तभी ये माहौल पैदा होता है। इसलिए ये मैं इस पूरी टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, बुलाता हूं उस बालिका को जो मूलतः बलरामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, दिल्ली में पढ़ती है, लेकिन हिंदी कविताओं से इतना लगाव हो गया कि उसने पढ़ाई भी जो है पत्रचारिता से शुरू कर दी है कि मैं पत्राचार पाठ्यक्रम करूंगी क्योंकि मुझे कवि सम्मेलनों में जाना है। और जब देश की बात करती है, देश की बात करती है तो अलग अंदाज से करती है, अंकिता आजाद। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम भारत और भारत की अंगनाई पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। ये हिंदुस्तान है जन्नत, कहे कश्मीर की घाटी। ये हिंदुस्तान है जन्नत,
कहे कश्मीर की घाटी सदा सदमार्ग पे चलना, कहे भारत की परिपाटी। यहाँ कंकड़ में है शंकर, यहाँ का जल है गंगा जल, नमन है माधरा तुझको, बड़ी पावन तेरी माटी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नमन है माधरा तुझको, बड़ी पावन तेरी माटी। और इस भारतवर्ष के लिए मैं भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहती हूँ सुनिएगा, कि ना पड़े पीर की छाया भी, चहुमोर सृष्टि में हर्ष रहे। ना पड़े पीर की छाया भी, चहुमोर सृष्टि में हर्ष रहे। है यही प्रार्थना है ईश्वर, युग युग तक भारतवर्ष रहे। युग युग तक वर्ष रहे, युग युग तक भारत वर्ष रहे। मानव मन में भर दे प्रकाश, छट जाए तुम क्षण में, नितने ही गगन से बरसाओ, घुल जाए कड़ कड़ में। नित है गगन से बरसाओ, घुल जाए कड़ कड़ में। खिल जाए धरा नभ मुस्काए, शुभ हो हर दिन नव वर्ष रहे। है यही प्रार्थना है ईश्वर, युग युग तक भारत वर्ष रहे। है यही प्रार्थना है ईश्वर, युग युग तक भारत वर्ष रहे। युग युग तक भारत वर्ष रहे। मजहबी झगड़ों से सब तंग आ चुका है, लेकिन खत्म कोई नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहती हूँ कि आंधी हर तरफ बगावत की है, भड़क रही हिंसा। एक दूजे पर हथियार तान, खतरे में खुद इंसान। दीवार ढहे बस नफरत की, दीवार ढहे बस नफरत की। जन जन का यहाँ संघर्ष रहे। क्या बात है, वाह वाह। है यही प्रार्थना है ईश्वर, युग युग तक भारत वर्ष रहे। वाह वाह। है यही प्रार्थना है ईश्वर, युग युग तक भारत वर्ष रहे। और गीत की अंतिम कड़ी में क्या कहना चाहती हूँ कि सीता जैसी हर नारी हो राम यहाँ नर में। सीता जैसी हर नारी हो राम यहाँ नर में। माँ बाप सदा पूजे जाए दुनिया के हर घर में। क्या बात है। माँ बाप सदा पूजे जाए दुनिया के हर घर में। हर बेटी में हो संस्कार, हर बेटी में हो संस्कार, वहाँ हर बेटा आदर्श रहे। वाह वाह वाह। है यही प्रार्थना हे ईश्वर, युग युग तक भारत वर्ष रहे। है यही प्रार्थना हे ईश्वर, युग युग तक भारत वर्ष रहे। युग युग तक भारत वर्ष रहे। युग युग तक भारत वर्ष रहे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भारतवर्ष है और सदैव रहेगा, जब तक भारतवर्ष की पीढ़ियां इस तरह की कविताएं सुनाएंगी और पीढ़ियां इस तरह का प्यार प्रकट करेंगी। ये युवा पीढ़ी जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये पथभ्रष्ट है या मति भ्रष्ट है या ठीक रास्ते पे नहीं है, उन्हें एक बार वाह भाई वाह देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसी पीढ़ी की अंकिता आजाद देश के लिए क्या बात करती है, और इसी पीढ़ी के नवयुवक और नवयुवतियां किस तरह देश के लिए अपना हृदय खोल के रख देते हैं। क्या कहना जूनियर साहब आपका? साहब आप सब कह चुके हैं, अब क्या कहूँ। और आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, और जो बच्चे समझदार हैं जिनके भेजे में बात उतरी है उसे उस पर अमल करें, प्रैक्टिस करें, तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप ज्यादा खुश होंगे उनसे बढ़कर। एग्जैक्टली जी जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है। जब आप फिल्मों में जिस वक्त आए, आपके वालिद साहब क्या करते थे उस वक्त? रेलवे में इंजन ड्राइवर थे साहब। अच्छा, रेलवे में इंजन ड्राइवर जी। उनको कभी ख्वाबो ख्याल नहीं था कि घर में ऐसी भी औलाद पैदा होगी।
फिर मैं कहूंगा इस बात को कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सों की दुआएं हैं जी। आप भी तन्हा नहीं हो और हमारे ये छोटे भाई कोई तन्हा नहीं है, ऊपर वाला सबके साथ है। बस उसको हम एनालाइज कर लें तो कसम से लाइफ हिट हो जाएगी भाईजान जी। हम एनालाइज कर रहे हैं कि मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन भी भैया करके बुलाता, मैं क्या लगता हूँ उसका जी? कोई नहीं, लेकिन मेरा कुछ उसने एक्शन देखेगा तभी मजबूर हो गया भैया कहने जी। तो कुछ क्रेडिट मुझे जानी चाहिए कि मैंने उसे भैया कहने पे मजबूर किया। ठीक बात। सो हर इंसान को ये करना चाहिए कि अपने पड़ोसी से, अपने अजीज से, अपने पहचान वाले से भैया तो बुलवा ले बेचारा। क्या बात है, थैंक यू, क्या बात, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्या बात। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई तन्हा नहीं है, उसके साथ कई लोगों की दुआएं होती है, पिता का आशीर्वाद होता है, माँ का स्नेह और वात्सल्य होता है, बहन का प्यार होता है, भाई का संबल होता है, परिवार का विश्वास होता है, कोई अकेला होता नहीं है। लेकिन चूंकि माँ बाप ने हमेशा सिखाया था कि ये सब होने के बाद भी पांव जमीन पर रखना, तो वो पांव आज तक जमीन पे ही है, घमंड आने नहीं दिया, अहंकार छूने नहीं दिया। जैसी आप बात कर रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे थे तब, आपकी बात कि सबके साथ कोई है, और ये बात कि कुछ हो जाने के बाद लोग किस तरह से भूल जाते हैं, तो वसीम बरेलवी साहब के दो शेर मुझे याद आते हैं। आता हूं। पहला शेर जो लोग कुछ हो जाने के बाद भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि जरा सा कतरा भी अगर कहीं उभरता है, और दूसरा शेर आपकी बात कि कोई तो है। वसीम साहब कहते हैं कि जरा सा कतरा भी अगर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है। जरा सा कतरा भी अगर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। ये है भाई, जीते रहे भाई, वाह भाई वाह। वो जो है वो सबके साथ है और हम आपके साथ हैं, तो वाह भाई वाह, इसी तरह से आपके बीच में आता रहेगा और आपके लिए खास कविताएं, नई प्रतिभाएं और कई ऐसे लोगों को लाता रहेगा जिन्हें सुन के, जिन्हें देख के जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज हमारे साथ जूनियर महमूद साहब इस एपिसोड में आए, यहां तक आए, मैं उन्हें सबसे पहले तो दरख्वास्त करूंगा कि वो यहां तक आए। भाई जूनियर महमूद साहब, जाते आते कुछ कहना चाहेंगे आप? वो क्या है कि दुनिया में बहुत अच्छा होना भी ठीक नहीं होता, थोड़ी वो बातें भी होनी चाहिए। पर एक बात है, आप चूंकि अहले ज़बान हैं और ज़बान वो होती है जो आपके घर का इंट्रोडक्शन देती है, आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है, आपकी अच्छी ज़बान है तो बोलो इसकी तरबियत, आप ब्रिंगिंग इसकी बहुत अच्छी है जी। तो एक छोटा सा शेर है, आपको तो खैर पता ही है कि उसके दुश्मन है बहुत जी, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, आदमी अच्छा होगा। तो आप ऐसे अच्छे बन जाइए कि आपके दुश्मन बहुत बन जाएं जी, इतने अच्छे बन जाएं कि आपके दुश्मन बहुत हो जाएं और वो आपसे प्यार करने लगे। एग्जैक्टली जी, तो हम बस यही, लेकिन इसी कहानी को अगर कहते हैं कि आप थोड़े से अच्छे भी हैं, तो वसीम साहब का एक शेर होता है कि अपने मिजाज का मैं अकेला था जी, शायद इसीलिए अकेला था। वाह 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 वाह। लेकिन यहाँ लोगों का साथ हमेशा मिलता रहेगा, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह के हमारे दोस्त यहाँ आते रहेंगे, नई प्रतिभाओं को हम बुलाते रहेंगे और सब मिलकर कहते रहेंगे वाह भाई वाह।